अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जहां बारिश और बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम के मिजाज में यह बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है, जो कि आने वाले एक दो दिन और देखने को मिल सकता है। यानी कि मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लौट आया। जम्मू कश्मीर से लेकर देवभूमि, उत्तराखंड और हिमाचल तक इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के चलते ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़ पौधे सब बर्फ की आगोश में हैं। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं, जिनकी खूबसूरती इन दिनों देखते ही बन रही है। इस बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। इसमें कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई परिवार संग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहा है। चाहे देशी सैलानी हो या फिर विदेशी, सभी को कश्मीर की ये सफेद खूबसूरती खूब रास आ रही है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। वी वेस्ट ऑलमोस्ट 1 month, सो फाइनली वी गेट द स्नो। इट्स लाइक lot of excitement. Abhi foreigners aa rahe hain, people are coming from different parts and you can see the people are enjoying So inshallah we will get in more and more snow in coming days, so this is gonna fun. aap dekh rahe hain ki desh videsh se yahan pe skiers aa rahe hain, aur na sirf skiing balki baki jitni bhi adventure aur snow related activities hai, adventure activities hai, wo yahan pe resume ho rahi hain because of the snowfall. aur hum umeed karte hain ki jo snow na hone ki wajah se jo thodi si mayusi adventure lovers mein thi, mujhe lagta hai iski wajah se jo hai they are all feeling excited because of the snowfall. aur ye snowfall abhi bhi kuch din forecast hai ki continue rahega. we are hopeful to have a good rush of adventure lovers this season. हालांकि इस बर्फबारी से आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिसलन के चलते गाड़ियों का रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है और जगह जगह सड़कों पर 4-5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। लिहाजा यातायात को बहाल करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का ये दौर अभी जारी रह सकता है, इसीलिए लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। पूरे कश्मीर में पिछले 3 दिन से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। इस मौसम की सबसे भारी बर्फबारी जो है कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग में 2 फीट बर्फ जबकि सोनमर्ग में करीब 4 फीट बर्फ जमा हो चुकी है। बर्फबारी के कारण कई सारे रास्ते यातायात के लिए बंद हो गए हैं। श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली मुगल रोड को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीर की गली के पास करीब 3 फुट बर्फ जमा है। इसी तरह श्रीनगर और सोनमर्ग को जाने वाली सड़क भी सोनमर्ग के पास बर्फीले तूफान के कारण जो है यातायात के लिए बंद कर दी गई है। कश्मीर की तरह ही उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से सब कुछ ढक चुका है। गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें मन मोह लेने वाली है, जहां हर और सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। चाहे मंदिर का शिखर हो या पहाड़, मकान हो या दुकान, हर जगह बर्फ का ही कब्जा है। राज्य के कुछ हिस्सों में तो इस बर्फबारी के साथ बारिश भी हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी है। वहाँ कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में इस सीजन में रिकॉर्ड बर्फ दर्ज की गयी है। 21 तारीख को मई कम हो जाएगा,
21 और 22 में आपको कुछ जगहों पे जो है बारिश और बर्फबारी होगी, और उसके बाद 23 तारीख के आसपास जो है और कम हो जाएगा। 23, 24 और 25 तारीख में भी लगभग जो है मौसम ठीक रहेगा, और उसके बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना। न्यूनतम तापमान में कुछ कमी जरूर आई है पिछले 24 घंटों में, और जो भी स्नोफॉल रिपोर्ट हुए हैं, और 4 जिलों में स्नोफॉल हुआ है, और हाईएस्ट स्नोफॉल हुआ है 51 सेंटीमीटर जो है वो कुकुम सेरी में लाहौल स्पीति जिले में, और उसके बाद चंबा में से लोएस्ट है 41 तीसा में। इसी तरह से किन्नौर में भी बर्फबारी कल्पा में रिपोर्ट हुई है लाइट स्नोफॉल की, और बाकी एरियाज में जो स्कैटर्ड बारिश हुई है प्रदेश में। और करने वाली बात ये है कि इन तीनों ही पहाड़ी राज्यों में सर्दी के सीजन में बर्फबारी बहुत कम हुई थी, लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हो रही बर्फबारी से वादियों की रौनक लौट आई है। जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी, उत्तराखंड से अंकित शर्मा और हिमाचल से मनजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। पहाड़ी राज्यों पर मौसम का हाल जानने के बाद अब मैदानी राज्यों का हाल भी आपको बता देते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मैदानी राज्यों में भी बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक और पंजाब से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब हरियाणा के साथ दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे में बारिश फिर से हो सकती है। हालांकि ठंड बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश सर हैं। सर, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जिसका बहुत इंतजार किया, मैदानी इलाके भी बहुत अच्छे अच्छे मौसम को भी देख रहे हैं, कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम? देखिए, अगर मैं ये सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको, अभी भी देखिए पूरा क्लाउड पैच जहाँ पे पाकिस्तान पे भी है, हिमालय रीजन पे भी है, ठीक है। और ये पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूज पूरा हिमालय में वेदर हो रहा हैवी स्नोफॉल हो रही है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, चलिए सबसे पहले वेस्टर्न हिमालय रीजन की बात करते हैं। हमारा अनुमान है आज भी और जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हैवी स्नो हो सकते हैं, और कल से थोड़ा सा वेदर में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी लाइट मॉडरेट स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। अब प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और इवन उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, जहां पर भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी का उम्मीद है, कहीं पर हिल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकता है। और जैसे स्पेसिफिकली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां पर भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज इवनिंग को या कल मॉर्निंग में हल्का फुल्का रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल का उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का रेनफॉल इस एनसीआर दिल्ली में भी हो सकता है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में लाइट टू मॉडरेट का पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम टेम्परेचर तो अभी जैसे समर अप्रोच कर रहा है वो 26-27 का अनुमान है, और मिनिमम जो अभी 14 के पास था उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के बाद क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आती है तो उसमें थोड़ी गिरावट आएगी, वो हालांकि फिर भी 10 डिग्री से ज्यादा ही रहने की उम्मीद है। फरवरी की शुरुआत के साथ ही लगातार वेस्टर्न डिस्टरबेंस हो रहा है, अभी क्या और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने वाले हैं? देखिए, स्पेसिफिकली अगर प्लेन्स की बात करें तो ज्यादा अफेक्ट नहीं रहेगा, यही 3-4 दिन अफेक्ट रहेगा, लेकिन वेस्टर्न हिमालय रीजन में कंटिन्यूज आप मान के चलिए 6-7 दिन में अभी वेदर ज्यादा है, जैसे आज हैवी स्नोफॉल का है, कल मॉडरेट रहेगा, इसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा, लाइट स्नोफॉल एक्टिविटी वहां आने वाले एक वीक में कंटिन्यू रहेगी। और मौसम के बाद अब जरा जायकों का मजा ले लेते हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप पुरानी दिल्ली के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको पुरानी दिल्ली जाने के बजाय अब दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल जाना होगा, जहां पर इन दिनों अनोखी पहल के तहत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां आपको वेज और नॉन वेज हर तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे, और वो भी पुरानी दिल्ली के जायके के साथ। यहाँ टिक्की समोसे भी हैं, पराठे और छोले कुलचे भी, राजमा चावल और कढ़ी चावल भी है, बिरयानी और निहारी भी। इतना ही नहीं, मटन कोरमा और चिकन कोरमा भी यहाँ मौजूद है। एक
एक साथ इतने जायकों का ये संसार सजा है दिल्ली के मयूर विहार इलाके के क्राउन प्लाजा होटल में, जहां ये अनोखा फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अनोखा इसलिए क्योंकि यहां पर स्वाद के शौकीनों को एक छत के नीचे ही पुरानी दिल्ली के ज्यादातर जायके चखने को मिल जाएंगे। एक एक चीज आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगी। शीशगंज के आसपास जिस तरह से कढ़ी चावल मिलते हैं, राजमा चावल मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। अलग अलग लोकेशन की जामा मस्जिद के आसपास जिस तरह से निहारी मिलती है, जिस तरह से बिरयानी मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। चाट जिस तरह से मशहूर है पुरानी दिल्ली की, वो भी आपको उसी तरीके से दिखाई पड़ेंगी। और जो इसके कुक हैं, जो भी आप दुकानदार देख रहे हैं, ये सब भी पुरानी दिल्ली से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर इस एक ही जगह पर आपको पूरी पुरानी दिल्ली मिलती है, वहाँ का स्वाद मिलता है। खास बात तो ये है कि पुरानी दिल्ली के इन पकवानों को उनके ओरिजिनल खानसामों ने ही 5-स्टार होटल में तैयार किया है। होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ रोशन शर्मा बताते हैं कि उन्होंने 3 दिनों तक 13-13 घंटे पुरानी दिल्ली में बिताए हैं, ताकि पुरानी दिल्ली के व्यंजनों का हूबहू स्वाद तैयार कराया जा सके। पुरानी दिल्ली सबको पता है कि स्ट्रीट फूड से लेके खाने से लेके मुगलई कुजिन से लेके सब चीज वहाँ पे है। ई टू जेड आप सोचो तो सुबह से नाश्ता से स्टार्ट होता है और मिड नाइट तक चलता है। तो हमने वहाँ के थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ पे सर्व करने का कोशिश किया है। जैसे कि आप देखोगे तो हमारा एक चाय काउंटर है, जो लड़का चाय बना रहा है, सारे चीज़ें वहीं के मसाले जो हैं, मसाला टी बनाता है, ये सारी चीज़ें वहीं से लेके आया हूँ हम। ये खुद भी वहीं के हैं जो बना रहे हैं? हाँ जी, ये जो लड़का है वहाँ से ही लेके आया, चांदनी चौक से। वहाँ का टेस्ट और हमारे नॉर्थ दिल्ली का टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है? तो वो चीजें हमने वही कोशिश किया है कि वहाँ का टेस्ट हम दे सके। इन लजीज व्यंजनों के साथ स्वाद के शौकीनों को पुरानी दिल्ली जैसा माहौल देने की कोशिश भी इस फूड फेस्टिवल में की गई है, जिसके लिए दीवारों पर पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों और दुकानों के पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा पीसीओ बूथ, पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स, पुराने स्कूटर के साथ प्रचार प्रसार वाले पोस्टर भी जगह जगह चस्पा किए गए हैं, ताकि 5-स्टार होटल में पुरानी दिल्ली वाला माहौल लोगों को मिल पाए। एक पूरी थीम दी गई है यहाँ पर। अब देखिए दीवारों पर किस तरह से जो पुरानी दिल्ली की जो पुराना टच है वो एक देने की कोशिश की गई है। पराठे वाली गली, जहां आरा बेगम और वो सब कुछ आपको गालिब भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। खरी बावली के आपको मसाले दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जो पुरानी दिल्ली के जायके को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह से इसे क्राफ्ट किया गया है, पुराना पोस्ट ऑफिस यहाँ रखा गया है, सारे जो मील के पत्थर उन पर पुरानी दिल्ली के उन लोकेशंस का नाम लिखा गया है जो कि खाने पीने मसाले के लिए मशहूर हैं। पूरी पुरानी दिल्ली का एक थीम देने की कोशिश की गई है। किस तरह से पुरानी दिल्ली के दीवारों पर पोस्टर चस्पा होते हैं, वो सारे पोस्टर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए आपकी ये बाबा सिकंदर मिर्जा जी, जो पुरानी जो चीज़ें होती थी कि कई बाबाओं के पोस्टर होते थे, ये गुमशुदा का पोस्टर यहाँ लगाया गया है। जो भी चीज़ें पुरानी दिल्ली की दीवारों पर भी होती हैं उनको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। होटल का अनोखा प्रयोग न सिर्फ खाने के शौकीनों को रास आ रहा है, बल्कि पुरानी दिल्ली के ट्रेडिशनल खानसामों को भी एक नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या की सरयू की आभा से रोशन करने की तैयारी अब हो रही है। रामलला की नगरी को भी सौर नगरी से के रूप में विकसित करने की और कदम बढ़ा दिया गया है। सौर ऊर्जा से राम नगर के जगमगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं वो आपको बताते हैं। अयोध्या में 165 एकड़ में बन रहे 40 मेगावाट के सोलर पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है। अयोध्या धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बन रहे इस सोलर प्लांट से 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। रामपुर हरवारा में स्थापित हो रहा ये सोलर पावर प्लांट 31 मार्च तक पूरी क्षमता के साथ 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने लगेगा। एनटीपीसी का ये सोलर प्लांट अप्रैल के पहले हफ्ते तक 40 मेगावाट यानी कि करीब 40,000 यूनिट बिजली
सेंट्रल ग्रिड को भेजेगा, जो अयोध्या की ऊर्जा जरूरतों का सिर्फ 30% है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के शहरी हिस्से में बिजली की खपत बढ़ गई है। 20 जनवरी से पहले अयोध्या जिले को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 192 मेगावाट यानी कि 1,92,000 यूनिट्स चाहिए थे। 22 जनवरी के बाद डिमांड 210 मेगावाट यानी कि 2,10,000 यूनिट्स तक पहुंच चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या शहर में कई सड़कों और जगहों पर लाइटिंग की गई है। रोजाना 2-3 लाख श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ही देखते हुए होटल्स और रिजॉर्ट्स की चेन भी खुलने वाली है, जिससे ऊर्जा खपत और ज्यादा बढ़ेगी। और यही वजह है कि योगी सरकार हर घर को सोलर योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है, ताकि बिजली के लिए अयोध्या को दूसरे स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सौर ऊर्जा है, एक ऐसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसीलिए अयोध्या में यूपी की सबसे बड़ी सोलर सिटी बसाई जा रही है, और ये कहा जाए तो यूपी की ही नहीं बल्कि देश की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी सोलर सिटी होगी। 165 एकड़ में फैली यह सोलर सिटी 40 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन यानी करेगी, जिससे अयोध्या की 30% जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, और आने वाले दिनों में अयोध्या की सारी जरूरतें इसी तरह से पूरी की जाएंगी। और ये सिर्फ शुरुआत है जो यूपी के अयोध्या से हुई है, लेकिन जाने बड़ी दूर तक वाली है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसी सोच के आधार पर यूपी सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कोयले से होने वाले बिजली उत्पादन की तुलना में यहां बिजली उत्पादन के जरिए हर साल 47,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोकने में मदद मिलेगी, यानी कि इस परियोजना के जरिए 17 लाख पेड़ों के कार्बन डाइऑक्साइड सोखने बराबर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। सोलर पावर प्लांट अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रोल मॉडल के तौर पर स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सूर्यवंशी भगवान राम का ये नगर अब सौर नगरी बनने जा रहा है। भविष्य में अयोध्या में घर घर सौर ऊर्जा पहुंचेगी। यूपी सरकार अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाना चाहती है, लिहाजा पूरे इलाके में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे साथ एनटीपीसी के हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो है किस तरह का रिसोर्सेस है, इसके जरिए क्या लोगों को फायदे होंगे, इन फ्यूचर अयोध्या के लिए या देश के लिए किस तरह की चीजें हो? ये प्लांट बनना है सोलर का, एनटीपीसी के सब्सिडियरी कंपनी एनजीएलसी से बना रहे हैं हम लोग। ये सोलर सिटी बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम जो पावर बनाते हैं वो पावर बनाने में सबसे एक हमारा जो कोयले से हम बनाते हैं उस कोयले से एक दिक्कत ये होती है कि कार्बन हमारा काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए हमने सोलर का प्लांट बनाने का सरकार ने कंसेप्ट लाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट भी इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सोलर में हम जो सूर्य की ऊर्जा हमारे पास आती रहती जो हमारे पास फ्री अवेयरनेस में अवेलेबल है, उस ऊर्जा को हम कैप्चर करते हैं सोलर प्लेट्स के थ्रू, और इसमें हमारा कोई भी ऐसा कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता है जिसके हमारे एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो नहीं होती हैं, हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन रहता है, और इसीलिए इसको सब ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं। कितने परसेंट अगर कहा जाए कि जो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कितने परसेंट ये पूरा करेगी, और इन फ्यूचर क्या पूरी अयोध्या को ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करने की तैयारी है? सर, इन फ्यूचर अयोध्या को करना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ अयोध्या में जगहों पे अब तो सोलर प्लेट्स के लिए आ रहा है, हमारी सारी जो स्ट्रीट लाइट्स बनेंगी वो सोलर प्लेट्स की होंगी, कुछ हाईवेज भी शायद अब सोलर प्लेट से ही जगमगाने की कोशिश की जाएगी, कुछ प्लान तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, ये है कि अयोध्या को सोलर से जगमगाने की तो पूरी कोशिश है, उसी के क्रम में एनटीपीसी को ये काम मिला था करने को। हमने यहाँ पे 40 मेगावाट का जो प्लांट लगाने का जो दायित्व में सौंपा गया था, इसका हमने 14 मेगावाट कंप्लीट कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हम 31 मार्च तक इसका 40 मेगावाट भी कंप्लीट कर देंगे। यही वजह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 150 सरकारी भवनों को सोलर पावर सिस्टम से जोड़ा गया है। इसके अलावा अयोध्या नगर निगम के सहयोग से घर घर रूफटॉप योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए भी लोगों को जागरूक करने का काम चल रहा है। ये प्रयास सूर्यवंश की नगरी राजधानी के तौर पर मशहूर अयोध्या को सौर ऊर्जा से संचालित शहर के तौर पर स्थापित करने का रास्ता साफ करेगी।
जम्मू कश्मीर के विकास को नए पंख लगे हैं। सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में सहूलियत देने के साथ ही आज प्रधानमंत्री ने यहां पर ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दी है। तो जहां इस ट्रेन सेवा के चालू होने से सिर्फ घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहल से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आर्टिकल 370 हटाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास का जो संकल्प लिया था, 5 साल बाद विकास की उस धारा में घाटी को एक नया मुकाम हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर को आज सेहत और शिक्षा की दोहरी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रेलवे, एविएशन और सड़क समेत 32,000 करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरूआत की। इन परियोजनाओं में अहम है IIT, IIM और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं, जिसमें एक का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। इस एम्स का शिलान्यास खुद पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। एम्स अस्पताल का देश में एक अलग रुतबा है। मरीजों के लिए ये भरोसे का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में जम्मू में इसके शुरू होने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये एम्स 1000 खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।